अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन व शरीयत को कामिल किया, मुकम्मल किया, तो कुरान करीम में ये ऐलान फरमाया कि अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम्हें अपनी नेमत तमाम कर दी और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद कर ली। बस ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुसलमानों पर कि उनके लिए एक कामिल और मुकम्मल शरीयत अता फरमाई। और ये दावा सिर्फ इस्लाम का है, किसी दूसरे मज़हब का नहीं, कि अब आखिरी दीन इस्लाम ही है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। और अगर अल्लाह ताला की रज़ा चाहिए तो इस्लाम कबूल किए बग़ैर, इसकी तालीम पर अमल किए बग़ैर कोई चारा नहीं। अल्लाह ताला ये ऐलान फरमा रहा है कि कुरानी तालीम ही है जो अब इंसान की अखलाकी और रूहानी तरक्की का वाहिद ज़रिया है, बल्कि ये तालीम इस कदर कामिल है कि मादी तरक्की के लिए भी, के रास्तों के लिए भी यही तालीम है और उनकी तरफ लेकर जाती। बस जब अल्लाह ताला इस तालीम के मुताबिक मुतलिक अकमलतो का ऐलान फरमाता है तो उसका मतलब है कि इंसान की तमाम तर सलाहियतें अखलाकी हों, रूहानी हैं, जिस्मानी, इनका हसूल कुरान करीम पर अमल करने से ही हो सकता है। और इस कामिल तालीम और इसकी कामिल तालीम जो है सिर्फ़ कुरान करीम से मिल सकती है अगर इस पर हकीकी अमल करना है। और अतमाम तो कहकर ये ऐलान फरमाया और पूरी कुव्वत से फरमा दिया कि जो कुछ भी इंसान की ज़रूरियात थी उनको हर लिहाज से पूरा करने वाला सिर्फ़ कुरान करीम है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जिसका कुरान करीम ने अहाता ना किया हो, चाहे वो इंसान की मादी ज़रूरियात हैं या रूहानी और अखलाकी मयारों को हासिल करने की ज़रूरियात और तरीक़े हैं। जो भी एक इंसान इंसाफ की नज़र से देखना चाहे वो कुरान करीम की तालीम में मौजूद है। बस इस आयत के साथ कुरान करीम ने ऐलान फरमा दिया कि अब इंसान की बका इस तालीम के साथ ही वाबस्ता है और ये तालीम कुल ज़माने और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। और कुरान करीम से पहले नाज़िल होने वाली तमाम तालीमात जो मुख्तलिफ अंबिया पर उतरी वो वक्ती और उस ज़माने के लिहाज से थी, तमाम इंसानियत के लिए नहीं थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने इसकी वजाहत में यह भी ऐलान फरमाया कि इससे ये साबित होता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद पूरा हो गया और आप ही वो कामिल और आखिरी नबी हैं जिन पर इस कमाल दर्जे की शरीयत नाज़िल हुई। बस ये हमारा अकीदा है और इस पर हमें ईमान है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इतराज़ करने वाले ये इतराज़ करते हैं कि जब ये अकीदा है और कुरान करीम को आखिरी शरीयत और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं तो फिर आपके दावे की क्या हैसियत है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा फिर क्या है और आपके फिर इस ज़माने में आने की ज़रूरत ही क्या थी?
तो इसका जवाब हज़रत मुसीम अलैहिस्सलाम ने एक जगह इस तरह में फरमाया है, मुख्तलिफ जवाब हैं कि अगर तुम इस्लामी तालीम पर अमल कर रहे होते तो फिर ठीक है, मेरे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़माने की उमूमी हालत और ख़ास तौर पर मुसलमानों की अपनी हालत इस बात का ऐलान कर रही है कि किसी मुअल्लिम की ज़रूरत है। फिर इस तालीम को भूल जाने के बारे में खुद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और इसकी इस्लाह के लिए ये भी फरमाया था कि हर सदी में मुजद्दद आएंगे, ये पेशगोई फरमाई थी। मुख्य मुसलमान कुरान की तालीम कामिल होने के बावजूद इस तालीम को भूल जाएंगे, नई बिदात उनमें पैदा हो जाएंगी, इसलिए तजदीद दीन के लिए मुजद्दद आते रहेंगे और आखिरी ज़माने में मसीह माऊद और मेहदी माऊद आएंगे जो दीन को सुरैया से ज़मीन पर लाएंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम ने अपने लिटरेचर में, तहरीरात में, कुतुब में हर जगह ये फरमाया है कि मैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आपकी शरीयत और दीन और कुरान करीम की तालीम को दुनिया में फैलाने आया हूँ और अब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अकमाल दीन हो चुका है। इसे और इसी तालीम को ही दुनिया के हर कोने में पहुँचाने आया। तालीम की तकमील कुरान करीम के आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने से हुई और उस ज़माने में क्योंकि इशाअत हदायत और तालीम के वसाइल नहीं थे, इसलिए इसकी इशाअत के लिए इस ज़माने में अपने वादे के मुताबिक अल्लाह ताला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक़ को भेजा। बस यही काम है जिसे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिया और इसी के जारी रखने के लिए जमात अहमदिया का क़याम अमल में आया और यही काम है जो जमात अहमदिया आपके दिए हुए लिटरेचर और आपकी बयान करदा कुरानी तफसीर के मुताबिक कर रही है। और इस बात पर हर अहमदी को गौर करना चाहिए कि इस मकसद को हम किस हद तक पूरा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर तो एक प्रोग्राम है और हो रहे हैं, लेकिन इंफरादी तौर पर भी होने चाहिए। बस हमारी बैत का मकसद तभी पूरा होगा जब हम इस मकसद को अपने सामने रखेंगे। इसके लिए हमें कुरान करीम को पढ़ने और समझने की तरफ हमेशा तवज्जो रखनी चाहिए। इसके लिए बेहतरीन ज़रिया हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम की कुतुब और इरशादात हैं। कुरान करीम के मुहासन और ख़ूबियाँ मैं कुछ अरसे से हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम के इरशादात की रोशनी में बयान कर रहा हूँ। आज भी कुरान करीम की तकमील के बारे में आप अलैहि सलाम के इरशादात तालीम की तकमील कुछ पेश करूँगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं, ये अमर साबितशुदा है कि कुरान शरीफ़ ने दीन के कामिल करने का हक अदा कर दिया, जैसा कि खुद फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया है और अपनी नेमतों पर पूरी कर दी और मैं इस्लाम को तुम्हारा दीन मुकर्रर करके खुश हुआ। सो कुरान शरीफ के बाद किसी किताब को कदम रखने की जगह नहीं, क्योंकि जिस कदर इंसान की हाजत थी वो सब कुछ कुरान शरीफ में बयान कर चुका। अब सिर्फ मुकालमाते इलाहिया का दरवाज़ा खुला है। हाँ, मुकालमाते इलाहिया का अल्लाह ताला कलाम करता है बंदों से, अपने खास बंदों से, वो दरवाज़ा खुला है। वो नई तालीम नहीं है और वो भी खुद ब खुद नहीं खुल गया,
فرمایا بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو صریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں, وہ بات تزکیہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں. کامل کتاب ہے, اس لیے اب اس کی پیروی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ذریعے سے یہ تعلق کے راستے کھلے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں. اور آپ کو بھی جو مقام ملا, آپ نے فرمایا مجھے اسی وجہ سے ملا. پھر قرآن کریم کے کامل ہدایت ہونے کے بارے میں آپ مزید فرماتے ہیں ایک جگہ کہ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترک شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحب کمال ہو گیا, برائیاں چھوڑ دیں کمال نہیں حاصل ہو گیا, بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق سے اخلاق فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے. قرآن کریم تو صرف برائیاں چھڑوانا نہیں چاہتا بلکہ اعلیٰ درجے کے کمالات اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنا چاہتا ہے انسان میں. یعنی برائیاں بھی چھوڑنی ہیں اور پھر اس کی جگہ اعلیٰ اخلاق بھی اختیار کرنے ہیں, کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس یہ سوچ ہے جو ہم میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق پیدا ہونی چاہیے. ہم اپنے جائزے لیں, کیا یہ سوچ ہماری ہے؟ ہم صرف پڑھنے کا دوسروں کی طرح دعویٰ کر رہے ہیں یا واقعی یہ تبدیلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق بھی ہمارا پیدا ہو رہا ہے. رمضان میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, درس بھی سنتے ہیں. بس اس کو زندگی میں لاگو کرنا بھی ضروری ہے. اور ہم نے تو اپنے عہد بیعت میں بھی عہد کیا ہوا ہے, دس شرائط ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کروں گا. بس اگر ہم میں سے ہر ایک اس رمضان میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر لے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ایک پکا ارادہ کر لے, تو جہاں ہم اپنی روحانیت میں ترقی کر رہے ہوں گے وہاں ہمارا معاشرہ بھی ایک جنت نذیر معاشرہ بن رہا ہوگا. گھروں اور خاندانوں کے جھگڑے جو مختلف وقتوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں محبت اور پیار میں بدل سکتے ہیں. پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ الہی شریعت کا تخم قرآن کریم کے زمانے میں اپنے کمال کو پہنچ گیا, فرماتے ہیں چونکہ قرآن شریف امر معروف اور نہی منکر میں کامل ہے, جو کام کرنے والے ہیں ان کی ہدایت دینے میں اور جن سے روکا گیا ہے ان کے بارے میں بتانے میں کامل ہے, مکمل طور پر بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور خدا نے اس میں یہی ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ ہو سکتا ہے اور جس قدر گمراہی و بدعملی کے میدانوں میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں, ان تمام خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعے سے اصلاح کی جائے. اس لیے ایسے وقت میں اس نے قرآن شریف کو نازل کیا کہ جب کہ نوع انسان میں تمام خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک بد عقیدہ اور بد عمل سے آلودگی اختیار کر لی تھی, اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا کامل کلام نازل ہو, کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے سے پہلے ایسے لوگوں کو ان جرائم اور بد عقائد کی اطلاع دینا کہ وہ ان سے بکولی بے خبر ہیں, یہ گویا ان کے گناہوں کی طرف خود ملان دیتا ہے. پہلے ہی بتا دینا کہ یہ گناہ ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں, ان کو تصور ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ تو اس سے تو پھر گناہ پھیلتے ہیں. آج کل
हम यही देखते हैं निज़ाम तालीम में, बच्चों को ऐसी बातें बताई जाती हैं जिनसी तालुकात के बारे में जिनका बच्चों को कुछ तसव्वुर ही नहीं है, वो परेशान हैरान होते हैं। अब तो वालदैन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसी को नोटिस लेते हुए महकमा तालीम ने भी नोटिस लिया है। बाद हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि ऐसी बातें जिनका पता ही नहीं तसव्वुर वो ख़ुद उनमें पैदा की जा रही हैं, जो आज से जो उनकी बलूगत की उम्र को पहुँचने तक उन पर उनको पता होनी चाहिए। तो यही कानून शरीयत और उस इंसानी कानून में फ़र्क है, यही कानून कुरान करीम की हदायत में फ़र्क है कि कुरान करीम हदायत देता है और वादे भी करता है कि इस उम्र की यह हदायत, इस उम्र की यह हदायत। ये नहीं कि हर चीज़ खोल के बयान कर दिया और फिर तफसीरें जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी उन्हीं अल्फाज में से निकलती चली जाती हैं हर एक के अकल और समझ के मुताबिक। तो फरमाया सो खुदा की वही हज़रत आदम से तुखम रेज़ी की तरफ शुरू हुई और तुखम खुदा की शरीयत का कुरान शरीफ के ज़माने में अपने कमाल को पहुँच कर एक बड़े दरख्त की तरह हो गया। बस जिस तरह बुराइयाँ फैलती रहीं इनका इलाज भी ज़माने के लिहाज से ज़ाहिर होता रहा। और कुरान करीम की तालीम में ये खूबी भी है कि हर ज़माने के जो बुराइयाँ पैदा हो रही हैं उसका इलाज उसी तालीम में मिल जाता है, जो मुफस्सरीन के ज़रिए से हमें अल्लाह ताला के नेक बंदों के ज़रिए से हमें पता लगता रहता है। फिर फरमाया कि चूँकि कामिल किताब ने आकर इस्लाह करनी थी, ज़रूर था कि इसके नज़ूल के वक्त इसकी जाए नज़ूल में बीमारी भी कामिल तौर पर हो ताकि हर एक बीमारी का कामिल इलाज मुहैया किया जावे। सो इस जज़ीरे में कामिल तौर से बीमार थे और जिनमें वो तमाम बीमारियाँ रूहानी मौजूद थी यानी अरब में, जो उस वक्त या उससे बाद आइंदा नस्लों को लाहक होने वाली थी। इसमें मज़ीद वजाहत हो गई, जो उस वक्त मौजूद थी या आइंदा नस्लों में लाहक होने वाली थी उनकी तालीम दे दी, क्योंकि ज़माना दूर नहीं जाना था, शरीयत कामिल हो रही थी, इसलिए जो हो सकती थी आइंदा उनकी भी वजाहत कर दी और बता दिया किस हद तक तुमने कहाँ तक खोलना है, किस तरह तुम्हें खुलता जाएगा। और इसी तरह इसलिए मुफस्सरीन ज़माने के लिहाज से तशरीह करते चले गए। फरमाया कि यही वजह थी कि कुरान ने कुल शरीयत की तकमील की और किताबों के नाजल होने के वक्त ना ये ज़रूरत थी और किताबों के नाजल होने के वक्त ना ये ज़रूरत थी ना उनमें ऐसी कामिल तालीम थी। आपने यहाँ ये साबित फरमाया कि खुद ईसाई और यहूदी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ज़माना हर लिहाज से इंतहाई बिगड़ा हुआ था और उस वक्त एक शरीयत की ज़रूरत थी। ये बयान फरमाते हुए कि कुरान करीम हर किसी इंसानी कलाम के मुशाबे नहीं हो सकता, आप फरमाते हैं, इसको समझाते हुए मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि जब चंद मुतकल्लमीन इंशा परदाज अपनी इल्मी ताकत के ज़ोर से एक मज़मून लिखना चाहें, अच्छे बोलने वाले अच्छे लिखने वाले अपनी इल्मी ताकत के ज़रिए से मज़मून लिखना चाहें कि जो फजूल और किज़्ब और हश्व और लगब और हज़ल और हर यक मुहम्मल बयानी और जो जोरीदा ज़बानी और दूसरे तमाम अमूर मुखलब बलागत और आफात मुनाफ़ी कमालत और जामिया से बकुली मुनज़ह हो, यानी जो हर किस्म के फजूल किस्म का झूठ बनाई हुई बातें लघु बातें बेहूदा बातें ठट्ठे हंसी वगैरह और हर एक बेकार और बेहूदा बात और उलझी हुई पेचीदा बातें जिनकी समझ ही ना आए इंसान को और ऐसी सारी बातें जिसमें हिकमत भी ना हो और बलागत भी ना हो और तो अच्छा लिखने वाला इन सब फजूलियात से पाक बातें लिखने की कोशिश करते हैं। यही एक अच्छे लिखने वाले की निशानी है कि हर किस्म की विभूतियों से वो पाक हो, उसका कलाम मुनज़्ज़ा और पाक हो। और फरमाया कि और सरासर हक और हिकमत और फसाहत और बलागत और हकायक और मारफ से भरा हुआ हो
تو ایسے مضمون کے لکھنے میں نہ صرف وہ پاک ہو بلکہ معرف سے بھرا ہوا بھی ہو, تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے اول درجے پر رہے گا کہ جو علمی طاقتوں اور وسعت معلومات, عام واقفیت اور ملکہ علوم دقیقہ میں سب سے اعلیٰ, اور مشق اور ورزش املا اور انشاء میں سب سے زیادہ تر فرسودہ روزگار ہو, بڑا اچھا ہو, پڑھا لکھا ہو, عالم ہو, تجربہ کار ہو, وہی ایسا مضمون لکھ سکتا ہے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں. اور ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ جو شخص اس سے استعداد میں, علم میں, لیاقت میں, ملکے میں, ذہن میں, عقل میں کہیں فروتر اور متنزل ہے, بہت نیچے گرا ہوا ہے, وہ اپنی تحریر میں منحصر الکمالات اس سے برابر ہو جائے. جس میں یہ صلاحیتیں نہیں وہ برابر تو نہیں ہو سکتا اس کے. فرمایا مثلا ایک طبیب حاذق ہے جو علم ابدان میں مہارت تامہ رکھتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے بڑا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے جس کو بڑی مہارت ہے, جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق عوارض کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے, صحیح طرح وہ ڈائگنوز کر لیتا ہے اس کی مرائض جو امراض ہیں ان کے, بھی ان کو مکمل طور پہ علم ہے, اور علاوہ اس کے فن سخن بھی یکتا ہے, ایک زائد چیز ہے اس میں, سخن دان بھی ہے, اور نظم اور نثر میں سر آمد روزگار ہے, بہت اچھا ہے, بہت ممتاز ہے. جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اور اس کی علامات, یعنی جب مرض پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیت اور علامات اور اسباب فصیح اور وسیع تقریر میں بکمال صحت و حقانیت اور بے نہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے, اس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فن تو وابط سے ایک ذرہ مس نہیں اور فن سخن کی نزاکتوں سے بھی ناشنا محض ہے, ممکن نہیں کہ مثل اس کے بیان کر سکے. دوسرا شخص جس میں یہ خصوصیاں پائی نہیں جاتی وہ تو بیان نہیں کر سکتا یہ ساری باتیں, جتنا کہ ایک علم رکھنے والا اپنے جو پیشہ اس میں بھی مہارت رکھنے والا ہے, اور اس کے علاوہ بیان بھی اچھا کر لیتا ہے اور تحقیق بھی کرنے والا ہے, وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کا علم بہت محدود ہو, بہرحال وہ اوپر ہے اس سے. فرمایا کہ یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے, اور جس قدر انسان کمالات علمیہ رکھتا ہے وہ کمالات ضرور اس کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے, اور حق اور حکمت کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کہ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس کی لیاقت علمی کا اندازہ معلوم کرنے کے لیے ایک پیمانہ تصور کیے جاتے ہیں, اور جو بات وسعت علم اور کمال عقل کے چشمے سے نکلتی ہے, اور جو بات تنگ اور منقبض اور طریق اور محدود خیال سے پیدا ہوتی ہے, ان دونوں طور کی باتوں میں کس قدر فرق ہے. ایک علم عرفان کا چشمہ ہے, ایک بالکل ستی قسم کی باتیں ہیں, تو واضح فرق ان میں بتلا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسی قوت شامہ کے آگے بشرطے کسی فطرتی یا عارضی آفت سے معاوف نہ ہو, خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے. جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاہو سوچ لو, کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے. یہ بڑی سچی بات ہے, اور کسی طرف سے کوئی رکھنا نہیں دیکھو گے. بس جب کہ من کل الوجوہ ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے, اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل والعلم افضل و اعلیٰ ہیں وہ فساد بیانی اور رفت معانی میں یکساں ہو جائیں. علم و عرفان والے بہرحال اوپر رہیں گے, برابر نہیں ہو سکتے ایک عام آدمی کے, اور کچھ مابیل امتیاز باقی نہ رہے. تو اس صداقت کا ثبوت ہونا اس دوسری صداقت کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کا کلام ہو اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عظیم المثال ہونا ضروری ہے. بس اس بات یہ مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ان سب سے اعلیٰ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس جتنا علم تو کسی کو بھی نہیں, کیونکہ خدا کے علم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا.
اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعَلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ، یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے۔ جب پیش ہی نہیں کر سکتے مثال تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے جس کے علم وسیع اور تام کے مقابلے پر علوم انسانیہ بے حقیقت اور ہیچ ہیں۔ اس آیت میں برہان انی کی طرز پر اثر کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے۔ فرماتے ہیں جس کے دوسرے لفظوں میں خلاصے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز انسان کے ناقص علم سے متشابہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہو اور انسانی کلاموں سے بکلی امتیاز رکھتا ہو۔ سو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے، بس ہر لحاظ سے کامل ہونے کا قرآن کریم کا دعویٰ ہے اور کوئی نہیں جس کے مقابلے پہ آ سکے اور نہ اب تک آیا اور نہ آ سکے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہی مراتب علمیہ کے ساتھ مراتب عملیہ کے کمال تک پہنچاتا ہے، علمی اور عملی دونوں باتوں میں کمال تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا قرآن شریف جیسے مراتب علمیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، ویسے مراتب عملیہ کے کمالات بھی اسی کے ذریعے سے ملتے ہیں اور آثار و انوار قبولیت حضرت احدیت انہی لوگوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کی مطابقت اختیار کی ہے، دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے۔ بس طالب حق کے لیے یہی دلیل ہے جس کو وہ بچشم خود معائنہ کر سکتا ہے، کافی ہے، یعنی یہ کہ یہی دلیل جس کو وہ بچشم خود معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن شریف کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی کامل اتباع کرو گے تو نشانات بھی نظر آئیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں نشانات، ہمیں تو نظر نہیں آیا، یا دعا تھی اتنی دیر دعا کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات بھی تو سنو، میرے پہ ایمان بھی تو مکمل کرو، میری باتوں پہ عمل بھی تو کرو، جب یہ ہوگا تو دعائیں بھی اللہ تعالیٰ پھر سنتا ہے۔ بس یہ بھی قرآن تعلیم کا خاصہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پر کامل عمل کرنے والے ہی غیر معمولی برکات حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم نے کمال اعجاز سے تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کیا ہے۔ اعجاز معجزہ نہیں، اعجاز الف یہ جیم کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ مختصر مضمون۔ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرقان مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو صداقت اور حکمت اور ضرورت حقہ کے التزام سے ادا کیا ہے اور کمال اعجاز سے تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کر کے دکھایا ہے، چنانچہ اس میں ہر یک مخالف اور منکر کے ساقط کرنے کے لیے براہین ساتیہ بھری پڑی ہیں اور مومنین کی تکمیل یقین کے لیے ہزارہ حقائق کا ایک دریائے عمیق اور شفاف اس میں بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن امور میں فساد دیکھا ہے انہی کی اصلاح کے لیے زور مارا ہے، جس شدت سے کسی افراد کے تفریق کا غلبہ پایا ہے اسی شدت سے اس کی مدافعت بھی کی ہے، جن انواع و اقسام کی بیماریاں پھیلائی ہوئی دیکھی ہیں ان سب کا علاج لکھا ہے، مذاہب باطلہ کے ہر ایک وہم کو مٹایا ہے، جھوٹے مذہب ہیں جنہوں نے سوال اٹھاتے ہیں ان کے وہم جو تھے ان کو مٹایا، غلط باتوں کو مٹایا، ہر ایک اعتراض کا جواب ہے دیا ہے، کوئی صداقت نہیں ہے جس کو بیان نہیں کیا، کوئی فرقہ ضالہ نہیں ہے جس کا رد نہیں لکھا، گمراہ لوگ ہیں ان کے رد میں باتیں نہیں کی، بڑا واضح طور پہ ہر حکم ہے، اور پھر کمال یہ کہ کوئی کلمہ نہیں کہ بلا ضرورت لکھا ہو، بغیر ضرورت کے کوئی بات نہیں، اور کوئی بات نہیں کہ بے موقع بیان کی ہو، اور کوئی لفظ نہیں کہ لغو طور پر تحریر پایا ہو،
اور پھر باوصف التزام ان سب امور کے فساد کا وہ مرتبہ دکھلایا جس سے زیادہ تر متصور نہیں ہو سکتا. ساری باتیں کور کر لیں اور مختصر طور پر کی, لیکن فساد و بلاغت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بلاغت کو اس کمال تک پہنچایا کہ کمال حسن, ترتیب اور موجز اور مدلل بیان سے علم اولین اور آخرین تک ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا. پہلوں کے لیے بھی علم تھا, پہلے ہی مثال دے چکا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ عرب کے جو بدو تھے, گاؤں کے رہنے والے تھے, ان کو بھی قرآن کریم سمجھ آ گیا اور وہ باخدا انسان بن گئے, تعلیم یافتہ انسان بن گئے. اور جو علم حاصل رکھنے والے تھے ان کو بھی سمجھ آ گیا, ان کو اپنی مقل کے مطابق سمجھ آیا. اور پھر ان تک نہیں, اولین اور آخرین تک, آخرین میں بھی قرآن کریم کی تعلیم ایسی ہے جس کی تفاسیر ہر زمانے میں, ان کے ہر لفظ سے ایک نئے معنی نکلتے چلے جاتے ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے ہمیں پتہ دیتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا تاکہ انسان جس کی عمر تھوڑی اور کام بہت ہیں بے شمار درد سر سے چھوٹ جائے, اور تا اسلام کو اس بلاغت سے اشاعت مسائل میں مدد پہنچے, اور حفظ کرنا اور یاد رکھنا بھی آسان ہو. تو اس قرآن شریف اس کو کر لیتے ہیں, بچے کر لیتے ہیں چھوٹی عمر میں. آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ قرآن کریم ہی ہے جو اپنی عبارت کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے ایسی صداقتیں بیان فرماتا ہے جو کہیں اور نہیں. اور انجیل وغیرہ کتابیں تو انسانی دخل اندازی کی وجہ سے الہی کتابیں رہی نہیں. اب پھر قرآن کریم کے اعجاز کلام کا کمال ایک جگہ اور بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں, جب منصف آدمی قرآن شریف کو دیکھے تو فی الفور اسے معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں اعجاز کلام اور قلعہ و دلہ بیان میں جو لازمہ ہے, ضروریہ بلاغت ہے, وہ کمال دکھلایا ہے. یعنی تھوڑے اور واضح بیان جو ہے اس میں کمال تک پہنچ گیا مختصر الفاظ میں. وہ کمال دکھلایا ہے کہ باوجود احاطہ جمیع ضروریات دین اور استعفاء تمام دلائل و باہین کے اس قدر حجم میں قلیل المقدر قلیل المقدار ہے کہ انسان صرف تین چار پہر کے عرصے میں ابتدا سے انتہا تک بر فراغ خاطر اس کو پڑھ سکتا ہے. اتنے مختصر الفاظ ہیں کہ آرام سے انسان اس کو پڑھ سکتا ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ یہ بلاغت قرآنی کس قدر بھارا معجزہ ہے کہ علم کے ایک بحر ذخائر کو تین چار جز میں لپیٹ کر دکھلا دیا, اور حکمت کے ایک جہان کو صرف چند صفحات میں بھر دیا. کیا کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ اس قدر قلیل الحجم کتاب تمام زمانے کی صداقتوں پر مشتمل ہو؟ کیا عقل کسی عقل کے انسان کے لیے یہ مرتبہ عالیہ تجویز کر سکتی ہے کہ وہ تھوڑے سے لفظوں میں ایک دریا حکمت کا بھر دے جس سے علم دین کی کوئی صداقت ظاہر نہ ہو؟ اب یہاں وید جو ہندوؤں کی کتاب ہے کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے, اور ثابت فرمایا کہ وید میں تو ایسا بیان ہی نہیں جو قرآن کریم میں ہے. اور پھر لمبی عبارتیں ہیں اس کی جنہیں پڑھنا ہی مشکل ہے. آپ نے ہر مذہب کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ میں یہ سب خوبیاں تمہیں قرآن کریم اس کی دکھاتا ہوں. بس مسیح علیہ السلام کے علاوہ اس زمانے میں کوئی نہیں جس نے اس طرح دنیا کو چیلنج کیا ہو. پھر بھی ہم پر الزام کہ نعوذ باللہ ہم قرآن کریم کی توہین کرنے والے ہیں. قرآن کریم کا زمانہ کامل تعلیم کا مقتضی تھا. فرماتے ہیں قرآن شریف نے ہی کامل تعلیم عطا کی, اور قرآن شریف کا ہی ایسا زمانہ تھا جس میں کامل تعلیم عطا کی جاتی, جو کچھ ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے. بس یہ دعویٰ کامل تعلیم کا جو قرآن شریف نے کیا, یہ اسی کا حق تھا. اس کے سوا کسی آسمانی کتاب نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. فرمایا ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم الکتب یقین کرے. مومن کی یہ نشانی ہے. اور اسی شریعت کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے, اسی کو ہمیشہ تک رہنے والی مانے اور اس میں ایک ذرہ بھر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے, اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے, اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگائے, عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے,
तक तब पक्का मुसलमान होता है। अब ये हमें जायज़े की ज़रूरत है। कुरान करीम के आखिरी किताब होने के बारे में अब फरमाते हैं कि कुरान शरीफ ऐसे ज़माने में आया था कि जिसमें हर एक तरह की ज़रूरतें थीं, कि जिनका पेश आना मुमकिन है पेश आ गई थी, जिनका पेश आना मुमकिन है पेश आ गई थी, यानी तमाम अमूर अखलाकी और एतकादी और कौली और फेली बिगड़ गए थे और हर एक किस्म का अफराद और तफरीत और हर एक नौ का फसाद अपने इंतहा को पहुँच गया था। इसलिए कुरान शरीफ की इन तालीम भी इंतहाई दर्जा पर नाजिल हुई। बस इन्हीं मानों से शरीयत फुरकानी मुख्तम और मुकम्मल ठहरी और पहली शरीयतें नाकस रहीं, क्योंकि पहले ज़मानों में वो मफासद के जिनकी असलाह के लिए इलामी किताबें आईं वो भी इंतहाई दर्जे पर नहीं पहुँचे थे और कुरान शरीफ के वक्त में वो सब अपने इंतहा को पहुँच गए थे। बहुत से लोग सवाल करते रहते हैं लकड़ी के बच्चे या नौजवानी में कदम रखने वाले, उनके लिए जवाब है पहले वो बातें इंतहा को नहीं पहुँचती, यहाँ इंतहा को भी पहुँच गई, इसलिए तालीम भी इंतहा को पहुँच गई, इसलिए कुरान करीम नाज़िल हुआ और इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस्लाम की बुनियाद पड़ी। बस अब कुरान शरीफ और दूसरी इलामी किताबों में फ़र्क यह है कि पहली फरमाया कि फ़र्क यह है कि पहली किताबों में पहली किताबें अगर हर एक तरह के खलल से महफूज भी रहती फिर भी बवजह नाकस होने तालीम के ज़रूर था कि किसी वक्त कामिल तालीम यानी फुरकान मजीद ज़हूर पज़ीर होता। उनके सामने बाज़ बातें आई नहीं थी तो वो बयान किस तरह करते कि उस तालीम नाकस थी, इसलिए कुरान मजीद का ज़हूर होना ज़रूरी था। फरमाया मगर कुरान शरीफ के लिए अब यह ज़रूरत पेश नहीं कि इसके बाद कोई और किताब भी आवे, क्योंकि कमाल के बाद और कोई दर्जा बाकी नहीं। हाँ, अगर ये फ़र्ज़ किया जाए कि किसी वक्त असूल हक़ा कुरान शरीफ के वेद और अंजील की तरह मुशरिकाना असूल बनाए जाएंगे और तालीम तौहीद में तब्दील और तहरीफ़ अमल में आवेगी, कुरान करीम में कोई तहरीफ़ अमल में आएगी, या अगर साथ इसके ये फ़र्ज़ भी किया जाए जो किसी ज़माने में वो करोड़ों मुसलमान जो तौहीद पर कायम हैं वो भी फिर तरीक़े शिरक और मखलूक परस्ती का इख्तियार कर लेंगे तो बेशक ऐसी सूरत में दूसरी शरीयत और दूसरे रसूल का आना ज़रूरी होगा। हाँ, अगर यह सूरत हाल पैदा होती है तो हो सकता है, होगा, ज़रूर होगा, मगर दोनों किस्म के फ़र्ज़ ये फ़र्ज़ की बातें हैं, ये महाल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं इस शरीयत को महफूज रखूँगा और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को इसी मकसद के लिए भेजा और यही हमारा काम है। तेरा फरमाते हैं कि नजात के वास्ते जैसा कि अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है वही ज़रूरी है, और वो ये है कि अव्वल सच्चे दिल से अल्लाह ताला को वाहदहु ला शरीक समझे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी यकीन करे और कुरान शरीफ को किताबुल्लाह समझे कि वह ऐसी किताब है कि क़्यामत तक अब और कोई किताब या शरीयत ना आएगी, यानी कुरान शरीफ के बाद अब किसी किताब या शरीयत की ज़रूरत नहीं है। कुरानी वही की शान के मुतल्लिक बयान फरमाते हैं आप कि खुदा की लानत उन पर जो दावा करे कि वो कुरान की मिसल ला सकते हैं। कुरान करीम मौजज़ा है जिसकी मिसल कोई इंसो जिन नहीं ला सकता और इसमें वो मआरफ़ और खूबियाँ जमा हैं जिन्हें इंसानी इल्म जमा नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसी वही है कि इसकी मिसल और कोई वही भी नहीं, अगरचे रहमान की तरफ से इसके बाद और कोई वही भी हो, इसलिए कि वही रसानी में खुदा की तजलियात हैं। और ये यकीनी बात है कि खुदा ताला की तजली जैसी कि खातमुल अंबिया पर हुई ऐसी किसी पर ना पहले हुई ना कभी पीछे होगी, और जो शान कुरान की वही की है वो औलिया की वही की शान नहीं, औलिया की वही हो सकती है लेकिन वो शान नहीं हो सकती, अगरचे कुरान के कलिमात की मानंद कोई कलमा उन्हें वही किया जाए। इसलिए कुरान के मुआरफ का दायरा सब दायरों से बड़ा है और इसमें सारे उलूम और हर तरह की अजीब और पोशीदा बातें जमा हैं और उनकी दकीक बातें बड़े आला दर्जे के गहरे मकाम तक पहुँची हुई हैं और वो बयान और बुरहान में सबसे बढ़कर और उसमें सबसे ज़्यादा इरफान है और वो खुदा का मौजज़ कलाम है जिसकी मिसल
कानों ने नहीं सुना, नहीं सुना, और इसकी शान को जिस जिन्नो इंस का कलाम नहीं पहुंच सकता। सो कुरान और दूसरे कलाम की मिसाल इस रोया की है जो देखी एक बादशाह आदल बुलंद हिम्मत और पूरे दाना ने। एक ख्वाब है, मसलन मिसाल लेनी है, एक बादशाह ने ख्वाब देखी, बड़ा आदल था, बड़ा ही बुलंद हिम्मत था, और वही रोया देखी एक दूसरे आमी और कम फहम और पस्त हिम्मत ने। उसी तरह की एक और ख्वाब देखी किसी और आदमी ने जिसका मुकाम ऐसा नहीं था, आम आदमी था, अकल भी कम थी, पस्त हिम्मत था। सो इसमें शक नहीं कि बादशाह का ख्वाब और इस आमी का गो ज़ाहिर में एक ही हैं, मिलते जुलते ख्वाब हैं, लेकिन दानिशमंद और तबीर जानने वाले के नज़दीक एक नहीं है। अक्लमंद इंसान है, तबीर जानने वाला है, वो कहेगा ये एक ख्वाब नहीं है, क्योंकि आदिल बादशाह की तबीर बहुत बुलंद और आम और नफा रसान और सब लोगों के हक़ में खैर व बरकत और बहुत ही दुरुस्त और साफ़ है, बड़ी उसी दायरा है उसके ख्वाब का। मगर आमी की रोया अक्सर सूरतों में अमेदश और मैल कुचैल से पाक नहीं होती। इसके अलावा इसका असर बेटों और बापों या थोड़े से दोस्तों से आगे नहीं जाता, महदूद दायरा जो है उसका ख़ानदान का, बेटे हैं, बाप है, ये रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, उन तक ही वो, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि फ़ायदा पहुँचने वाला है तो उन तक ही फ़ायदा पहुँचेगा। और फरमाएगा, और अगर अगयार सवार भी हों, दूसरों को सवार भी कर लो, उनके मतलब भी इनको कह लो, लपेट लो कि हाँ जी इस आमी की जो ख्वाब है इसमें दूसरे भी शामिल हो सकते हैं, तो भी बहुत ही नज़दीक जगह में डेरे डाल देते हैं, फिर भी करीब करीब जाएगा, उतना माहौल जिस जहाँ तक वो जानता है वहीं तक रहेगा उसका असर, और पालानों से उतर कर आशियानों में घुस जाएगा जाते हैं। यानी कि वो महावरतन आपने फरमाया कि फिर महदूद हो जाते हैं ये, इनकी वसत जो है इस कदर हो ही नहीं सकती। मगर कुरान करीम के सवारों का ये हाल है कि वो आबादी के हर दायरे को कतअ करते हैं, बड़े वसी हैं। कुरान करीम एक किताब है जिसके नीचे इरफान के दरिया बहते हैं, और किसी गोयाई का परिंदा इससे फौक उड़ नहीं सकता, इससे ज़्यादा कोई और बयान कर ही नहीं सकता। और हर पूंजी वाला इसके ख़जानों और दफीनों से कुछ लेता है, और मेरे नज़दीक हर मुतकल्लम इस कर्ज़े में मुबतला होने के बगैर महज तही दस्त है। अगर यहाँ से नहीं फ़ायदा उठाया तो किसी का कलाम सही कलाम हो ही नहीं सकता। और कर्ज़दार से सख्त तकाज़ा किया जाता है, और सख्त कोशिश की जाती है कि काजी तक पहुँचा कर इससे रुपया वसूल किया जाए, मगर कुरान करीम तंग दस्तों को सदकात देता और सारी तंगियाँ और दूर करता, बल्कि इखलास हो इखलास वालों को सोने की डलियाँ देता। दूसरे तो लोग तो अपने कर्ज़दारों से मुकदमेबाजियाँ करते हैं अगर कोई चीज़ दे दें तो, लेकिन कुरान करीम तो ऐसा इल्म देता है जो उसके चश्मे बहते चले जाते हैं इल्म उरफान के, इस तरह ही है जिस तरह सोने की डलियाँ मिल रही हैं। और अपने कर्ज़दारों को मोहलत देने का एहसान नहीं जताता, बल्कि इनको सोना इकट्ठा करने की तरगीब देता है। फरमाया, हम तो अव्वल कूज़े बने फिर कुरान के ज़रिए कुरान के दरिया से लबा लो। मेरा हाल पूछते हो तो मैं तो पहले एक प्याला बना, कूज़ा बना, और फिर जो कुरान करीम का दरिया है उसके पानी से मैंने अपने आप को भरा। अरबी इबारत में इस तरह क्योंकि है इसलिए एक अपना एक अंदाज़ है इसका, तर्जमा भी इसी तरह हुआ है। आप फरमाते हैं, मेरे नज़दीक खुदा की लानत उस पर जो कुरान के एजाज़ का इनकार करता है और अपने कलाम और निज़ाम को बजाय ख़ुद कोई मुस्तकिल शय समझता है। और ख़ुदा की कसम, हम तो इस चश्मे से पीते और इसी की जीनत से आरास्ता होते हैं, इसी सबब तो हमारे कलाम में नूर और सफ़ा होती है और हमारी गोयाई में रोशनी और शफा और ताज़गी और ख़ूबसूरती चमकती है। और मुझ पर कुरान के सिवा और किसी का एहसान नहीं, और उसने मेरी ऐसी परवरिश की है कि वैसी माँ बाप भी तो नहीं करते। और ख़ुदा ने मुझे इससे खुशगवार पानी पिलाया और हमने इसको रोशन करने वाला और मददगार पाया। फरमाया कि अगर मेरे साथ खुदा ताला का कोई निशान ना होता और ना उसकी ताईद और नुसरत मेरे शामिल हाल होती, और मैंने कुरान से अलग कोई राह निकाली होती या कुरानी अकाम और शरीयत में कुछ दखल तसरफ़ किया होता या मनसूख किया होता,
या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के बाहर कोई और नई राह बताई होती तो अलबत्ता हक था और लोगों का उज़र माकूल और काबिल कबूल होता कि वाकया में ये शख्स खुदा और उसके रसूल का दुश्मन और कुरान शरीफ़ और तलीम कुरान का मुनकर है और मनसूख करने वाला है। अगर ऐसी बात होती है, मैंने कुरान और आज़म के शदा से बाहर की है तो यकीनन तुम्हारा हक है, ज़रूर कहते ये बात मनसूख करने वाला है, फासिक है, कि ये भी शक कह देते तुम लोग मुझे कि फासिक है, फाजर है, मुर्तद है। मगर जब मैंने ना कुरान में कोई तगैर किया और ना पहली शरीयत का जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे एक शोशा और नुक्ता मैंने बदला, बल्कि मैं कुरान और अहकाम कुरानी की खिदमत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मज़हब की खिदमत के वास्ते कमर बस्ता हूँ और जान तक मैंने अपनी इसी राह में लगा दी है और मेरा यकीन कामिल है कि कुरान के सिवा जो कामिल अकमल और मुकम्मल किताब है और इसकी पूरी इताअत और बग़ैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के निजात मुमकिन ही नहीं, और कुरान में कमी बेशी करने वाले और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जुआ अपनी गर्दन से उतारने वाले को काफिर और मुर्तद यकीन करता हूँ। जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से बाहर निकलता है, तवा से बाहर निकलता है, उनका जुआ अपनी गर्दन से उतारता है, वो तो मुर्तद और काफिर। तो फिर इस सूरत में और बावजूद मेरी सदाकत के हज़ारा निशान ज़ाहिर हो जाने के, फिर यही बात नहीं है, दावा नहीं मेरा, बल्कि अल्लाह ताला ने निशानात भी दिखाए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ भी मसीह मौत के बारे में पूरी हुई, कुरान करीम की पेशगोइयाँ पूरी हुई, खुद मसीह अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने फरमाया, पेशगोइयाँ फरमाईं, वो पूरी हुई और हो रही हैं। निशानात ज़ाहिर हो जाने के बावजूद जो खुदा ताला ने आज तक मेरी ताइद में आसमान और ज़मीन पर ज़ाहिर किए, फिर मुझे जो शख्स काज़िब और मुफ्तरी और दज्जाल के नाम से पुकारता है या जो मेरी परवाह नहीं करता और मेरी आवाज़ की तरफ कान नहीं धरता, यकीनन जानो कि खुदा ताला बग़ैर मुआवज़ा उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी उसको मुआवज़ा ज़रूर होगा। बस ये दावा है जो हज़रत मुसीम अलैहिस्सलाम का है और इस पर ही हम यकीन रखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही कुरानी उलूम के मारफ हम तक पहुँचे हैं और आपने कुरान करीम की मुकम्मल पैरवी की है और हमें कुरान करीम का हकीकी इरफान अता फरमाया है। फिक्र करनी चाहनी चाहिए उन लोगों को जो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि नाऊज़ बिल्ला, या आपकी जमात पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि नाऊज़ बिल्ला हम कुरान करीम की तौहीन करने वाले हैं। ये खुद खुदा ताला के फरिश्तादे की बातें हैं। ये लोग जो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आते या नहीं आ रहे, खुदा बग़ैर मुआवज़ा के उनको नहीं छोड़ेगा। किस तरह वो पकड़ेगा, किस तरह उसने मुआवज़ा करना है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। कुरान करीम के बारे में हज़रत मुसीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगहों पर बाज़ अहकाम से मुतलिक बातें भी बयान फरमाई हुई हैं, चंद एक में बयान करता हूँ। यहाँ कुरान करीम में इंसाफ कायम करने की आला तरीन के मतलब फरमाते हैं कि जो कौमें नाहक सतावें और दुख देवें और खून रेजियाँ करें और ताकुब करें और बच्चों और औरतों को कत्ल करें, जैसा कि मक्का वाले काफरों ने किया था, और फिर लड़ाइयों से बाज ना आवें, ऐसे लोगों के साथ मामलात में इंसाफ के साथ बर्ताव करना किस कदर मुश्किल होता है। इतने जुल्म कर रहे हैं लोग, फिर भी उनसे इंसाफ करना करने की तालीम है, बड़ा मुश्किल काम है। मगर कुरानी तालीम ने ऐसी जानी दुश्मनों के हकूक़ को भी ज़ाया नहीं किया और इंसाफ और रास्ते के लिए वसीयत की है। बस ये वो असूल है जो माशरे के अमन की ज़मानत है, दुनिया के अमन की ज़मानत है। अगर आज ये दुनियावी जंगों में मुलव्वस कौमें जो हैं इस असूल को समझ लें तो दुनिया में अमन कायम हो सकता है, वरना जो हालात पैदा हो रहे हैं ये खौफनाक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। चाहे वो एक मुल्क की कोशिश हो या दूसरे मुल्क की कोशिश हो, एक मुल्क में जाएं सरबराह, दूसरे मुल्क में जाएं, चीन में जाएं या कहीं जाएं, अगर इंसाफ कायम नहीं करेंगे तो तबाही यकीनी है। फरमाया, फिर एक जगह फरमाते हैं और मिसाल में कि अगर कोई कुरान के ज़माने पर एक नज़र डालकर देखे कि दुनिया में तादुद-ए-अज़्वाज किस अफराद तक पहुंच गया था,
शादियाँ होती थी, बीवियाँ कितनी कितनी होती थी, 100-100, 80-80 बीवियाँ रख लेते थे लोग, और कैसी बेअतदालियों से औरतों के साथ बर्ताव किया होता था, कितने जुल्म होते थे औरतों पर। तो उसे इकरार करना पड़ेगा कि कुरान ने दुनिया पर यह एहसान किया कि इन तमाम बेअतदालियों को मौकूफ़ कर दिया। ये तो अल्लाह ताला का एहसान है, कुरान करीम की तालीम का एहसान है कि कुरान करीम की तालीम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ये सारी जो गलत किस्म की बातें थी इनको ख़त्म किया। औरत की कोई इज्जत नहीं थी, शादियों की कोई हद नहीं थी, हकूक नहीं थे, ये सारी चीज़ें कुरान करीम ने दिलवाए हैं, और इस्लाम से पहले इसका तसव्वुर भी नहीं था। फिर एक जगह फरमाते हैं कि कुरान शरीफ सिर्फ समा की हद तक महदूद नहीं है, क्योंकि इसमें इंसानों के समझाने के लिए बड़े बड़े माकूल दलाइल हैं, और जिस कदर अकायद और असूल और अहकाम इसने पेश किए हैं इनमें से कोई भी ऐसा अमर नहीं जिसमें ज़बरदस्ती और तहकुम हो। जो भी अहकाम हैं वो ज़बरदस्ती कोई नहीं, तहकुम कोई नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ला इकराह फितीन, यानी दीन में कोई बात जबर से नहीं बनवाना, यानी दीन कोई बात जबर से बनवाना नहीं चाहता, बल्कि हर एक बात के दलाइल पेश करता है, और दलाइल पेश करके फिर सामने रखता है और मानने की तरफ तवज्जो दिलाता है। फिर कुरान करीम की कामिल तालीम का ऐलान करते हुए दुनिया को चैलेंज देते हुए फरमाते हैं कि हमारा खुदावंद करीम के जो दिलों के पोशीदा भेदों को खूब जानता है, इस बात पर गवाह है कि अगर कोई शख्स एक ज़र्रे का हज़ारम हिस्सा भी कुरान शरीफ की तालीम पर कुछ नक्स निकाल सके, या बमुकाबला इसके अपनी किसी किताब की एक ज़र्रा भर कोई ऐसी खूबी साबित कर सके जो कुरानी तालीम के बरखिलाफ़ हो और इससे बेहतर हो, तो हम सज़ाए मौत भी कबूल करने को तैयार हैं। बस ये ऐसा बड़ा दावा है जो कामिल ईमान और यकीन के बगैर यही नहीं जा सकता। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स खुदा ताला पर ईमान रखे और फिर कुरान करीम पर गौर करे कि खुदा ताला ने क्या कुछ कुरान मजीद ने फरमाया है, तो वो शख्स दीवानावार दुनिया को छोड़कर खुदा का हो जाए। अगर ईमान कामिल हो और फिर उस पर गौर करो कुरान करीम पर, तो फिर दुनियादारी के बजाय खुदा ताला की तरफ तो जो हर वक्त। अल्लाह ताला हम सबको ये इरफान भी अता फरमाए। आप फरमाते हैं आज रुए ज़मीन पर सब इल्हामी किताबों में से एक फुरकान मजीद ही है कि जिसका कलाम इलाही होना दलाइल कतिया से साबित है, जिसके असूल नजात के बिल्कुल रास्ती और वज़ाय फितरती पर मबनी हैं। नजात के जो असूल हैं वज़ाय फितरत पर मबनी हैं, जिसके अकायद ऐसे कामिल और मुस्तकम हैं जो इब्राहिम कविया इनकी सदाकत पर शायद नातक हैं, जिसके अकाम हक महज पर कायम हैं, जिसकी तालीमात हर यक तरह की आमेज़ शिरक और बिदत और मखलूक परस्ती से बकुली पाक हैं, जिसमें तौहीद और तज़ीम और इलाही तज़ीम इलाही और कमालात हज़रत इज़्ज़त के ज़ाहिर करने के लिए इंतहा का जोश है, जिसमें यह खूबी है कि सरासर वहदानियत जनाब इलाही से भरा हुआ है, खुदा ताला की वहदानियत से भरा हुआ है, और किसी तरह का धब्बा नुकसान और ऐब और नालायक सिफात का ज़ात पाक हज़रत बारी ताला पर नहीं लगाता, और किसी एतकाद को ज़बरदस्ती तस्लीम कराना नहीं चाहता। ये नहीं कि एतकाद पर ज़बरदस्ती तस्लीम कर लो, बल्कि दलील देता है, बल्कि जो तालीम देता है फरमाया, बल्कि जो तालीम देता है उसकी सदाकत की वजूहात पहले दिखला देता है, और हर एक मतलब और मुद्दा को हिजज और ब्राहीन से साबित करता है, और हर यक असूल की हकीकत पर दलाइल वाज़े बयान करके मरतबा यकीन कामिल और मार्फत तक मार्फत ताम तक पहुँचाता है। और जो जो खराबियाँ और नापाकियाँ और खलल और फसाद लोगों के अकायद और अमाल और अकवाल और अफ़ाल में पड़े हुए हैं, इन तमाम अफासद को रोशन ब्राहीन से दूर करता है, और वह तमाम आदाब सिखाता है कि जिनका जानना इंसान को इंसान बनने के लिए नहायत ज़रूरी है। इंसान बनने के भी आदाब होते हैं, वो सारे आदाब कुरान करीम में मिलते हैं, और हर यक फसाद की इसी ज़ोर से मुदाफ़त करता है कि जिस ज़ोर से वो आजकल फैला हुआ है। ये नहीं कि एक ज़माने में के फसाद को रद्द कर रहा है, बल्कि हर फसाद की उसी ज़ोर से मुदाफ़त करता है जिस ज़ोर से वो आजकल फैला हुआ है। जिस तरह आज फैला हुआ है उसी तरह उसकी मुदाफ़त भी वहीं से निकल आती है।
उसका इलाज निकलता है, उसको तोड़ करता है। और इसकी तालीम नहायत मुस्तकीम और कवी और सलीम है, गोया अहकाम कुदरती का एक आयना है और कानून फितरत की एक अक्सी तस्वीर है, और बिनाई ये दिली और बसीरत कलवी के लिए एक आफ्ताब चश्म अफरोज़ है, रोशन करने वाली का सूरज है, और अक़ल के इजमाल को तफसील देने वाला और इसके नुकसान का जबर करने वाला है। जो अक़ल के बातें मुख्तज़र होती हैं उनको तफसील दे, तफसीली तौर पर उनको बयान करता है और नुकसान को पूरा करता है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर हकीकी तौर पर अमल करने वाला और इसकी तालीम के मुताबिक अमल करने वाला, इसको समझने वाला और अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक गुजारने वाला बनाए। रमज़ान के बाद भी इस नेमत से फैज़ उठाने की उसी तरह कोशिश करते रहें जिस तरह रमज़ान में कर रहे हैं। रमज़ान में जमात के मुखालफीन के शर से बचने के लिए भी ख़ास तौर पर दुआएँ करें। अल्लाह ताला हर शरीर के हाथ को रोके और उनकी पकड़ के सामान फरमाए। दुनिया को फितना फसाद से बचने के लिए भी उम्मीद तौर पर बहुत दुआ करें। इसी तरह फ़लस्तीन में भी आजकल बड़ा फसाद पैदा हुआ हुआ है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें ज़ालिमों के ज़ुल्म से बचाए और मुस्लिम दुनिया के लीडरों को भी अकल दे कि वो अपने मफादात से बाहर निकल कर मुसलमानों के अमूमी मफादात की हिफाजत करने वाले हों। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारे लिए रहमतों और बरकतों के दरवाज़े पहले से बढ़कर खोले। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ